हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे भिन्न भिन्न तरह की बीमारियों के बारे में, जिसमें कुछ वायरस जनित बीमारियां हैं और कुछ बैक्टीरिया जनित बीमारियां हैं। मतलब के कुछ विषाणु जनित है, कुछ जीवाणु जनित है। तो दोस्तों, इन्हें को याद करने की एक ट्रिक भी मैंने डेवलप की है, तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। और बहुत सारे प्रश्न पत्रों में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, वायरस या विषाणु से होने वाले रोग, इसको याद करने की ट्रिक यहाँ पे दी गई है। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे पोइचे शब्द मतलब ऐसे ही है, एक तरह से याद करने के लिए है, ठीक है। तो रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, ये लाइन आप रट लीजिए किसी भी तरह से। उसके बाद दोस्तों, विषाणु जनित रोग आपको याद हो जाएंगे। देखिए कैसे, रे से हो जाएगा दोस्तों रेबी, ठीक है। खा से हो जाएगा खसरा, हा से हो जाएगा हर्पीस, मे से हो जाएगा मेनिनजाइटिस, ही से हो जाएगा हेपेटाइटिस, जिसे पीलिया भी कहते हैं। रेबीज वैसे दोस्तों कुत्ते वगैरह के काटने से हो जाता है, या और भी जीव जंतु जैसे बंदर इत्यादि अगर काट ले तो रेबीज होता है, ठीक है, क्योंकि उनके लार में यह पाया जाता है। टा से हो जाएगा दोस्तों ट्रेकोमा, पो से हो जाएगा पोलियो, ए से हो जाएगा एड्स, चे से हो जाएगा चेचक, छो से हो जाएगा छोटी माता, डा से हो जाएगा डेंगू, गा से हो जाएगा गला सूंध, ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। दोस्तों, कोरोना भी एक वायरस जनित रोग है, ठीक है। कोरोना या कोविड 19 यह भी एक वायरस जनित रोग है, ठीक है, यह भी एक वायरस से ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं बैक्टीरिया जनित या जीवाणु जनित रोग कौन कौन से है। तो दोस्तों, इसे याद करने की ट्रिक है, दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है, दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है। तो देखिए दोस्तों, दा से हो जाएगा डायरिया, दी से हो जाएगा डिप्थीरिया, को से हो जाएगा कोढ़ या लेप्रोसी, लेप्रोसी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, टी से हो जाएगा टिटनेस, पा से हो जाएगा प्लेग, नी से हो जाएगा निमोनिया, सी से हो जाएगा सिफिलिस। दोस्तों, सिफिलिस क्या है, एक तरह से जननांगों में होने वाली एक बीमारी है। का से हो जाएगा काली खांसी, गो गोनोरिया, गोनोरिया भी जननांगों में होने वाली बीमारी है। मे से हो जाएगा मोती झरा, छो से हो जाएगा क्षय रोग, है से हो जाएगा हैजा। तो इस तरह से दोस्तों, आप लोग बैक्टीरिया जनित बीमारियों को आसानी से याद कर सकते हैं। इससे संबंधित प्रश्न आपके प्रश्न पत्रों में अवश्य पूछे जाएंगे, ऐसी मुझे आशा है, ठीक है। दोस्तों, इसी तरह के छोटे छोटे इंफॉर्मेटिव वीडियोज के साथ मैं आप लोगों के बीच आता रहूंगा। धन्यवाद।